भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दिव्यांगों के लिए मंगवाया गया सैकड़ों ट्राईसाइकिल कचरे में पड़ा, धूल फांक रहा है। बता दें कि ये ट्राईसाइकिल बिल्कुल नई है, पर देखरेख या कहें तो लापरवाही के कारण इसकी ये दशा हो गई है। संडिस कंपाउंड स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय परिसर में पड़े इन सैकड़ों ट्राईसाइकिल की किसी को सुध नहीं है और ना जाने कितने दिव्यांग इसके अभाव में प्रतिदिन खुद को कोसते होंगे। जरा सोच कर देखिए कितनी सहूलियत होती दिव्यांगजनों को अगर इन ट्राईसाइकिलों का वितरण उनके बीच कर दिया गया होता। ये सिर्फ सरकारी संपत्ति का हनन ही नहीं बल्कि असहाय दिव्यांग जनों का मजाक बनाना भी है। किसी गरीब दिव्यांग की नजर जब इन सड़ती हुई सैकड़ों ट्राईसाइकिल पर पड़ती होगी तो उस पर क्या गुजरता होगा, सोसाइटी के अधिकारियों के लिए कितनी बद्दुआएं निकलती होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बांटने के लिए जो आपके सोसाइटी की तरफ से ट्राईसाइकिल जो आता है, आज हमको लगता है सैकड़ों की संख्या में धूल फांक रहा है। यदि माननीय दिव्यांग को मिल जाता तो आज इसको तो कम से राहत तो मिलता, इसकी वजह से नहीं बट पा रहा है। ये पूर्व के जो भी इसके कार्यकर्ता रहे हों या अवैधानिक तरीके से इस पर जो काबिज थे, सारी गलती तो उन्हीं की कहलाएगी। क्या कब तक दिव्यांग साइकिल आपका ट्राईसाइकिल बट पाएगा? अब भविष्य में ये मैं वादा करता हूँ कि जो हमारे सभी टीम के सहयोग से हम लोग विकास कार्य ऐसा करेंगे जो भागलपुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, और ट्राईसाइकिल का तो अंबार लगा देंगे और पैथोलॉजिकल जांच क्लिनिक यहाँ बनाना है, गरीबों के लिए निःशुल्क जाँच उसकी होगी। इसी तरह कई जन कल्याणकारी क्रम होंगे और रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय, अभी इतना साइकिल है, सरकार का पैसा है, तो क्या ये पैसा का दुरुपयोग हुआ ना, सरकारी पैसा का दुरुपयोग? सरकार का ये पैसा नहीं आती है, ट्राईसाइकिल ही आती है, कानपुर की एक फर्म से खरीदी जाती है और यहाँ दिव्यांगों के बीच बांटने के लिए आती है। पैसा का कोई गबन नहीं होता है, ट्राईसाइकिल चूंकि मिसमैनेजमेंट। बिहार में घोटालेबाजों की कमी नहीं है बल्कि बोले तो यहाँ के नेता अधिकारी घोटाला करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के टपुआ दियारा का है, जहाँ प्रधानाचार्य ने विद्यालय का सारा सामान ही बेच खाया। बता दें कि रानी दियारा में एक विद्यालय हुआ करता था जो गंगा में विलीन हो गया, जिस कारण वहां का सारा सामान उत्क्रमित मध्य विद्यालय ज्ञानवती टपुआ में रखा गया था, जिसे ज्ञानवती टपुआ की प्रधानाचार्य रीना कुमारी के द्वारा बेच दिया गया। वहीं जब ग्रामीणों ने उन्हें रोकना चाहा तो प्रधानाचार्य महोदया रीना कुमारी के बिगड़ते बोल सामने आए। उन्होंने कहा कि जिसे जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सोचने वाली बात यह है कि आखिर किस विपत्ति के कारण शिक्षा विभाग इतना लालच में डूब गया है। पहले तो बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी किया जाता था, पर प्रधानाध्यापिका रीना कुमारी ने तो स्कूल का बेंच डेस्क बेचकर नया आयाम कायम कर दिया है। अब बच्चे खाएंगे क्या, बैठेंगे कहाँ, इसकी कोई अता पता नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा फोन पर मामले की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। जब यह 11 में कटाव शुरू हुआ तो मेरा पंचायत बुरी तरह विलीन हो गया रहने दे रहा, और कुछ भाग टप्पा से भी कटाव, टप्पों में भी कटा हुआ। इसके बाद वहाँ जो दो विद्यालय था, कन्या पाठशाला माध्यमिक विद्यालय, तो चूँकि उस समय में हम मुखिया थे तो वहाँ तो जाते आते भी ही थे, देख रेख था ही मेरे पास। तो इसके बाद ये लोग बोली कि भाई, इसके बाद समूह था ही, आज ही अचानक हमारे घर पर गई, बोला कि मुखिया जी मेरा जो समूह था, मेरा समूह वहाँ स्कूल में नहीं है। हमने कहा कि भाई आपका तो रूम दे दिया गया था, रूम में क्या हुआ समूह? उन्होंने बताया, अच्छा मृणा कुमारी से पूछे भाई इसका सामान क्या है। सामान नहीं, नहीं मैं तो कबाड़ी में इसको दे दिया। इसे सामान में क्या क्या चीज़ था? बेंच था, डेस्क था, बच्चे का बैठने का टेबल वगैरह जो भी था, उतना तो हम नहीं बता सकेंगे नहीं, चूँकि हम तो सामान उस समय कचरा में जो दिया था, इसे आदेश किससे लिए थे? क्या कचरा में जो दिया मैडम, तो आदेश किसी से लिए? हम पूछे आपने क्या बोले, मैडम क्या बोली? वो तो बोला हम आदेश क्या लेंगे। हमने कहे कि कम से कम आप शिक्षा समिति से भी पूछते, उससे भी नए ग्रामीण में मुखिया है, सरपंच है, किसी को जानकारी आप देते कि भाई देखिए यहाँ समान है, बच्चे को दिक्कत होता है तो उसका एडजस्ट हम लोग करते। तो क्या बोले आप अपने मन से? उस पर कुछ नहीं, वो तो आए भाई बकने लगी, आए भाई बोलने लगी, बट मांग करते है कि पहले फर्स्ट बात तो HM को बदल के दूसरे HM को दे, जेंट्स को।
जो कि समझ सके इस बात को। बताइए। हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे, यहाँ का प्रधानाध्यापक का पति देवंदु, पति का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन रीना मैडम का पति जो है, जब हम यहाँ पिकअप लेकर आया हूँ तो हम बोले कि आप रविवार का दिन था, तो पिकअप लेकर आया तो हम बोले कहाँ ले जा रहे हैं बेंच और डेस्क, तो बोला कि नीलामी हुआ है। तो हम शिक्षा विभाग के बारे में कुछ जानकारी हमको नहीं है, तो हम बोले कि भाई हो सकता है वैसा नीलामी होगा। पहले आप अपने आंखों से देखे? हम अपने आंखों से लोड करते हुए, उसमें जो लोड हो रहा था तो उसमें डेस्क बेंच क्या स्थिति में थे? क्या स्थिति था? बेंच अच्छा था, अच्छा चीज लेके चल गया, और खराब सब विद्यालय अपने ही सामान था, बेच के क्या किया नहीं किया वो तो गमन कर दिया। मतलब आप विद्यालय रानी दियारा की प्रधानाध्यापिका हूँ। क्या हुआ है स्कूल में? स्कूल में हुआ है कि हेलो गंगा कटाव के प्रीत में फोन किया था, विद्यालय रानी दियारा के सारे विद्यालय कट गए, उसमें हम लोग को बीओ साहब का आदेश आया कि आप उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी दियारा में सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दें, तो उनके आदेशानुसार मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय ज्ञानवती टपुआ में शिफ्ट कर दी हूँ। उसके बाद हम लोग को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, और 2022 में जुलाई में हम लोग को छात्र अनुपात हम लोग को टेक्चारी दियारा में बुलाया गया। अभी क्या हुआ है आपके स्कूल में? क्या हुआ था तो गए, और यहाँ बेंच डेस्क सब कुछ हम लोग एक रूम में, हम लोग को प्रभारी एक रूम में दिया था हम लोग को एक रूम। तो अभी डेस्क बेंच है या? तो उसके बाद हम लोग वहीं रह गए, उसके बाद बीच बीच में आते थे, उसके बाद देखे कि ये 8 तारीख को मेरा बेंच डेस्क टेबल सब गायब है, तो हम HM से पूछे कि मेरा डेस्क बेंच जो हम रखे थे क्या हुआ, तो बोले कि वो कवारा में रख दिए हैं उस रूम में, किनारा वाला रूम में। तो वहाँ देखे, सर लोग से बोले कि चलिए तो देखते हैं, तो चाबी से खोले, फिर देखते हैं कि एक भी कवारा वहाँ नहीं था मेरा डेस्क। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत महेशी पंचायत के कल्याणपुर मोतीचक दियारा में गंगा कटाव में विस्थापित हुए 70 भूमिहीन परिवारों को 30 वर्ष पूर्व बिहार सरकार के द्वारा पर्चा व अंचल के द्वारा जमीन का रसीद दिया गया था, पर उस जमीन पर गांव के दबंग विनोद पासवान व उनके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया गया, जबकि इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भूमिहीन परिवारों को घर बनाकर बसने की बात कही गई, जिसके बाद भूमिहीन परिवार आवंटित किए गए जमीन पर पहुंचे, पर विनोद पासवान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी डंडे से मारपीट करने लगा
वहीं मामले की खबर अंचल अधिकारी को देने पर जमीन पर बहुत जल्द बसाने की बात तो कही गई, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिस कारण भूमिहीन परिवार इस कपकपाती ठंड में गंगा किनारे रहने को मजबूर हैं। शनिवार को विवश होकर विस्थापित परिवार सुल्तानगंज थाना के जनता दरबार में पहुंचे और अंचल अधिकारी रवि कुमार एवं थानाध्यक्ष प्रिय रंजन से उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान विस्थापित परिवार के सदस्य, राजद युवा अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल एवं थाना में पदस्थापित कर्मी मौजूद थे। हमको जमीन का दिक्कत है बसाने का। जमीन सरकार दिया है ना? हाँ दिया है, मेरा रसीद कट रहा है। रसीद कट रहा है? हाँ, पर्चा भी कट गया। तो उस जमीन पे क्या हो रहा है? उस जमीन पे दूसरे बगले वाला कर रहा है, नहीं बसने देंगे। कौन लोग है सरकारी में? कौन लोग है? वो है पासवान। पासवान है? हाँ। कितने घर बना लिया है? दो चार घर बना, चार या दस घर बने। लगभग 70 परिवार आज सुल्तानगंज थाना में, जो गंगा कटाव से विस्थापित परिवार है, वैसे सभी परिवार सुल्तानगंज थाना में आकर आज जनता दरबार में जो कार्यक्रम रखा गया था, इसी में आवेदन दिया जा रहा था। किंतु थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि सीओ साहब आज यहाँ नहीं है, इसमें से अंचलाधिकारी के यहाँ नहीं रहने का आवश्यक कार्य पटना के लिए निकल चुके हैं, जिसके कारण जो है आवेदन की सुनवाई आज नहीं हो पाई। थानाध्यक्ष के द्वारा ये बताया गया कि सोमवार के दिन आप अंचलाधिकारी महोदय से इंडिविजुअल मिलकर जो है आप इस पर बातचीत कीजिए और जो समस्या का निदान है वो कर दिया जाएगा। भागलपुर सनौला प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलहन में शनिवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन में आए सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेंद्र दास ने एवं मंच का संचालन सुभाष चंद्र झा ने किया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी शेखर सुमन ने उपस्थित छात्रों एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर 10वीं एवं 12वीं पास छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपए तक की राशि लोन के रूप में दी जाती है। मौके पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कुमोद कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनोज कुमार, विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका सहित विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक मौजूद थे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल और हायर प्लस टू स्कूल्स में शिक्षा संवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जो है वो अभिभावकों और बच्चों तक पहुंचाने का उद्देश्य, उसी क्रम में आज सिलहन में ये कार्यक्रम किया गया। बिहार में अवैध कोयला कारोबार सुशासन की सरकार में फल फूल रहा है। पुलिस की मिलीभगत से यह कारोबार रात के घना अंधेरा से लेकर दिन के उजाले में धड़ल्ले से चल रहा है। इस कारोबार में सत्ताधारी दल के सांसद से लेकर प्रखंड स्तर के नेता एवं अधिकारी मलाई काट रहे हैं। कारोबार को सुसंचालित रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के चौकीदार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड में सहयोगी दल की सरकार है, जिस कारण बिना किसी हस्तक्षेप के झारखंड से लेकर बिहार तक कोयला खपाने के लिए सिंडिकेट निडर होकर काम कर रहा है। ये काला धंधा कमीशन की खेल पर बड़ी सफलता के साथ राज्य की संपत्ति का विनाश कर रहा है और सभी जिम्मेदार लोग अपना अपना पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। यह काला कारोबार मुख्यतः बिहार एवं झारखंड के सनोखर, अमडंडा, सनहौला, रसलपुर और घोघा एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर संचालित होता है। यहाँ कोयला पड़ोसी राज्य झारखंड के ललमटिया से निकालकर महकामा, बलवड्डा, हनवारा एवं कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग डिपो में पहुंच रही है। सनोखर थाना क्षेत्र के साहूपाड़ा में बरसों से कोयला डिपो अवैध रूप से संचालित हो रहा है। शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक नियमित ढंग से प्रतिदिन झारखंड बॉर्डर से कोयला ट्रैक्टर, जुगाड़ गाड़ी, मोटरसाइकिल एवं अन्य साधनों से बिहार लाया जाता है। बांकामरपुर के मेमना गांव में किसान बालेश्वर दास की हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव की गलियां सूनी पड़ गई है और लोग अपने अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत देख अमरपुर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव में दरोगा मनोज पासवान के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ताकि गाँव के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।
बता दें कि बीते दिनों अपने खेत में काम कर रहे किसान बालेश्वर दास की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, साथ ही उसके सहयोगी को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद से गांव में भय का माहौल कायम हो गया। इधर थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि मेमना गांव में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है। बांका के अमरपुर में छिनतई की घटनाएं इन दिनों चरम सीमा पर पहुंच गई है। ताजा घटना शुक्रवार की है, जब अमरपुर से सुल्तानगंज की ओर जा रहे एक पल्सर बाइक सवार से महुता के समीप कुछ अपराधियों ने बाइक छीनने की असफल कोशिश की। बाइक चालक सुल्तानपुर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद ने बताया कि वह अमरपुर से शाम 7 बजे के करीब सुल्तानपुर की ओर जा रहा था, तभी महुता के निकट 3-4 अपराधियों ने मुंह में कपड़ा बांधकर बाइक रोकने का प्रयास किया। तेज रफ्तार में वहां से निकलने के बाद इरशाद ने मामले की जानकारी ग्रामीणों को एवं पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा घटनास्थल पर देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि छापेमारी अभियान में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक हथियार एवं 3 बाइक भी जब्त की गई है। थानेदार ने बताया कि फिलहाल अनुसंधान जारी है, सभी अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार महुता के समीप अक्सर छिनचोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बता दें कि लगभग 10 दिन पूर्व रानीकित्ता गांव के समीप एक अपराधी पैसेंजर बनकर ई रिक्शा पर बैठा और चालक के साथ मारपीट कर ई रिक्शा लेकर फरार हो गया था। आज मार्गों पर होने वाले लूटपाट पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के द्वारा बांका जिला के विभिन्न थानों के अंतर्गत विशेष जाँच छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कल शाम में सूचना मिली कि अमरपुर थाना अंतर्गत बादशाहगंज सुल्तानपुर रोड में कुछ लोग जो है कुछ अपराधकर्मी बाइक वगैरह की लूट पाट करने के फिराक में। जैसे ही सूचना मिली उसके सत्यापन के तुरंत उपरांत जो है थाना प्रभारी अमरपुर के द्वारा छापेमारी किया गया और छापेमारी के दौरान जो है कुल मिलाकर के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक अवैध देसी कट्टा, 2 कारतूस और 3 बाइक बरामद हुआ है। 4 बाइक